शुभांगी दीक्षित है। मैं PMKVY के अंतर्गत महानिदेशना सोसाइटी से FTCP का कोर्स पूरे कंप्यूटर हरदोई से कर रही हूँ। आज हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क मार्केट में दो तरीके की अवेलेबल है, एक साटा और एक पाटा। हमारे पास एक साटा हार्ड डिस्क है और इसका डाटा ट्रांसफर रेट 300 से 600 Mbps होता है। इसका डेटा ट्रांसफर पाटा से ज़्यादा होता है। ये हमारे पास एक साटा केबल है। आइए साटा केबल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये 1.5 फीट की होती है और ये डाटा ट्रांसफर के काम आती है। ये हमारा PCB बोर्ड है। अब हम हार्ड डिस्क को PCB बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा साटा केबल है। अब हम साटा केबल से इसको कनेक्ट करेंगे। ये साटा केबल में 7 पिनें होती हैं जो कि हमारी हार्ड डिस्क में लगेंगी, 7 पिन। ये कनेक्टर है और ये पावर कनेक्टर है जिसमें 15 पिन हैं। इसमें इसको कनेक्ट कर देते हैं और अब हम साटा केबल के दूसरे सिरे को PCB बोर्ड पर साटा राइट पर कनेक्ट कर देंगे। हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।